सरल करो यानी सिंप्लीफाई करो इस क्वेश्चन को। मित्रों आप इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, प्लस करोगे, फिर इंटू करोगे, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा और टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाकर देखना है कि है क्या। देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये 1.41 और 1.41 दोनों जगह पर है, तो इस 1.41 को आप क्या कर लो, ब्रैकेट से बाहर ले लो, यानी कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा 2/3 और 1/3 बचा, इंटू आपका 0.5 है ही सही। ठीक है, अब आगे देखो ये 2/3 और 1/3, इसका एलसीएम लेके यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2+1, 1.41 आपका है ही सही, 0.5 है ही सही। ये देखो 3/3 यानी 1 हो गया ये, तो 1.41 इंटू 1 इंटू 0.5, 1 की कोई वैल्यू नहीं बची। अब इसका इसका मैं इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 × 5, 5 × 5 = 20, 2 बचे, 5 × 5 = 7। अब दशमलव को देख लो, कितने अंक छोड़ के दशमलव है आपके पास, इधर से 1 और इधर से 2, 1, 2, 3, यानी ये आपका आंसर हो गया। जो भी आपका आंसर वहां पर लिखा हो, पहला दूसरा तीसरा, उनमें से ये वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।